हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो भाई लोग, मैं हूं आपका यार शुभम, एंड स्वागत है आप लोगों को और एक न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम फिर से खेलने वाले हैं टाइफोमैन का। पिछला वाला एपिसोड में लगभग मेरे को अपना हाथ मिल गया था, बट एक मॉन्स्टर आके मेरा सब कुछ खेल को बिगाड़ दिया। अच्छा हुआ कि सही टाइम पे अपने पास एंजल थी, नहीं तो वो हाथ के साथ साथ मैं भी हर दिन के लिए गायब हो जाता। तो यारो, ये था अपना पिछला वाला एपिसोड का कहानी। तो चलिए अभी हम इसको जहाँ पे स्टॉप किए थे उधर से इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। हो भाई, ये क्या था? अच्छा हुआ मैं अभी बच गया हूँ, नहीं तो यार जिस स्पीड से पत्थर ऊपर से आ रहे थे ना, मैं तो भाई सोच लिया था कि मेरा तो खेल खत्म। बाकी यार अभी मेरे साथ एंजल भी आ गई है, मतलब यार डरने की कोई बात नहीं है। पता नहीं ये एंजल कहाँ जा रही है, चले मैं इसके पीछे ही चलता हूँ। इसके पीछे रहना ही मेरे को सेफ लग रहा है, बट ये क्या? ओ, अगर मैं ये ब्रेव के अंदर आ गया तो भाई ये खत्म हो गया, और अगर मैं फिर से बाहर आया तो मेरे को ये लोग फिर से अटैक कर रहे हैं। पता नहीं ऊपर से कौन सा चीज मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन गाइस मेरे को शायद ये ब्रेव के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अबे ये मैंने क्या किया? इसको चले मैं फिर से बना देता हूँ, पता नहीं ये क्या हो रहा है। अबे फिर से अटैक किया, चले ब्रेव ओके। अभी यार सब कुछ सही हो गया, मेरे को ये ब्रेव के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। पीछे जाऊंगा तो भी मरूंगा, और अकेले में आगे जाऊंगा तो भी मरूंगा। तो यार ये क्या हुआ? ओ भाई, अपने को ये रेड लाइट के साथ कोई भी लेटर को टच नहीं करना है। VRAVRAVE ओके, चलिए। ओ भाई, अबे ये क्या? अबे करेक्ट तो होना चाहिए। नहीं यार, ये तो अपने साथ कुछ सही नहीं हुआ। मेरे को ना यार जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, और कोई भी मिस्टेक ना करते हुए इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाके मैं शायद इधर से निकल पाऊंगा। क्योंकि यार अगर मैं एक भी मिस्टेक कर रहा हूँ ना, इसको मैं फिर से सही नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए इधर मेरे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, ऐसे में मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे उस पार? मेरे को भाई भाग के जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से भागता हूँ। ओ भाई इधर क्या है? ये क्या है? ये तो कोई तो लेटर है। ओ भाई ये लेटर को मेरे को लाना पड़ेगा, नहीं तो मैं मरूंगा। इसको चलिए मैं जल्दी से लेके चलता हूँ। चल चल चल, इसको इधर रखता हूँ। ओके, अबे नहीं भाई, मेरे को जो भी करना पड़ेगा जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर से जो अटैक कर रहा है ना मेरे को भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, चलिए ये बन गया है फेथ। बाय द वे गाइस, चलिए मैं फेथ के साथ ही आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं गलती से भी फेथ के बाहर चला गया ना, मेरे को सीधा ऊपर से खींच के ले जाएंगे। ठीक है, चलिए मेरे को भाई ध्यान से ये फेथ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये गलती से भी रेड लाइट के साथ टच हो गया ना, अपना एज तो गायब। ओ भाई भाई, मैं जो गलती नहीं करूँगा सोच रहा था, वही गलती मैंने फिर से किया। अब की बार तो अपने पास एज भी नहीं है, मैं तो भाई मरा लिटरली यार। तब से मैं इतना इजी राउंड को कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा हूँ भाई साहब। चलिए अब की बार मैं भाई इसको जैसे भी कंप्लीट करूंगा, मेरे से भाई अब की बार यार सच बोल रहा हूँ कोई भी गलती नहीं होगा। पता नहीं कैसे मैं सब कुछ जान बूझ के गलती कर रहा हूँ। तो चलिए अभी मैं फेथ को रेड लाइट के पास भी ले आया हूँ, और गाइस अब की बार मेरे से कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, इधर ही चले हम फेथ को रखते हैं और इधर से सीधा चलते हैं आगे। यार मेरे को नजर आ रहा है DSA SAD। हाँ भाई SAD सेड। यार ये तो सही निकला, लेकिन मेरे को सबसे पहले ये फेथ के पास जाना पड़ेगा। अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे आया, लेकिन भाई ये सेड का काम क्या है? और गाइस आप एक चीज नोटिस कीजिए, भाई साहब अपना चेहरा बदल चुका है, और गाइज नीचे से हो भाई ये तो वही वाला मॉन्स्टर है जो कि अपने को पिछला वाला एपिसोड में मिला था। ठीक है, अबे नहीं फिर से ये इंजेक्शन मेरे ऊपर। यार मेरे को जैसे भी करके ना अब की वार नहीं मरना है। ठीक है, चलिए मैं ये SA को लेके चलता हूँ। SAFE ओके भाई, इधर तो अभी मैं सेफ हूँ सेफ के वजह से, ये तो यार अच्छा राइमिंग हो गया। बाकी यार चलिए मैं इधर से आगे बढ़ता हूँ, ये मशरूम के वजह से मैं ये सेफ को आगे नहीं ले पा रहा हूँ। कोई नहीं, ठीक है आगे की साइड DOGO
मेरे को गाइज लग रहा है ये होगा GOOD, गुड, क्योंकि भाई इससे अच्छा वर्ड बन ही नहीं सकता है। ठीक है चले, अभी मैं गुड को सीधा लेके चलता हूँ सामने की तरफ और एक बड़ा सा मशरूम। इधर भी यार मेरे को भाग के ही जाना पड़ेगा। फिलहाल गाइज मेरे को ना वो इंजेक्शन वेट कर रहा है, मैं जैसे निकलूंगा वो मेरे ऊपर अटैक कर दिया। भाई साहब चले मैं जल्दी से चलता हूँ, ये सीढ़ी भाई कितना ऊपर है पता नहीं यार, ये सीढ़ी तो भाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओ भाई मेरे को अगर और एक बार कोई इंजेक्शन अटैक किया तो मैं तो खत्म। चले मैं ये मशरूम के ऊपर से होके चलता हूँ, अपना नसीब अच्छा है मेरे को अभी तक कोई भी इंजेक्शन नहीं दिखा है। भाई साहब अब भी कहाँ जाना है मेरे को, ऊपर की साइड रास्ता है। ठीक है चलिए सामने की तरफ, अबे इसका असर तो खत्म ही नहीं हो रहा है। ओ अभी यार मैं ट्रस्ट के ऊपर ऊपर नहीं अंदर आ चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं सेफ हूँ। चलिए मैं ये ट्रस्ट को लेके ही आगे चलता हूँ, जब तक मैं इसके अंदर हूँ तब तक तो मैं सेफ हूँ। ओके ये क्या है, ILT, इसको अगर मैं करूँ तो TIL, पता नहीं भाई TIL का क्या मीनिंग बन रहा है, लेकिन यार इसका कोई ना कोई तो बनना चाहिए मीनिंग। LIT नहीं भाई, TIL, ILT तो भाई है। ओके भाई क्या बनेगा, अबे नहीं फिर से, चले मैं TIL को एक बार मिला के देखता हूँ, अगर कुछ बन जाता है तो अच्छा, नहीं बनता है तो ट्राई करेंगे फिर से। ओके TIL नहीं भाई कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैं ट्रस्ट के साथ TIL को मिला दूँ, ट्रस्ट टिल ये कुछ बन रहा है क्या, ट्रस्ट टिल क्या पता बन जाए तो। अबे नहीं अभी इसको मैं अलग कैसे करूँ, ओ भाई मैं तो गया लिटरली यार, आगे जाऊंगा तो भी मरूंगा, रुकूंगा तो भी मैं मरता। ठीक है भाई मैं खुद ही मर गया, वही अच्छा हुआ, नहीं तो अगर इधर मैं रुकता ना वो इंजेक्शन आता और मेरे को ऊपर ले जाता और मेरा सांस रोक के मेरे को ख़त्म करता, उससे अच्छा तो मैं खुद ही मर गया। ओके इधर ना यार मेरे को एक एक लेटर को भाई ILT के साथ ज्वाइंट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, उसके बाद अगर कोई लेटर से खुलता है तो क्या खुलेगा पता नहीं, लेकिन यार कुछ तो बनना चाहिए। चलिए मैं एक बार यार ट्राई करके देखता हूँ, ट्राई करने में क्या जाता है। टी को, हाँ ठीक है चलिए अभी मैं टी को निकालता हूँ, उसके बाद इधर चले मैं धकेल के इसको TILT, कुछ बना क्या। ओ भाई लिटरली यार इसको चले मैं पहले ज्वाइंट कर देता हूँ। गाइस इधर जो आप रोटर देख रहे हैं ना वो अभी थोड़ा सा रोटेट हुआ, शायद यार टिल्ट की वजह से ये रोटर थोड़ा सा रोटेट हुआ। अगर मैं इसको और थोड़ा रोटेट करूँ तो मैं उस पार जा सकता हूँ, हाँ यार ये आइडिया अपना काम आ सकता है। तो चलिए मैं टी को फिर से ज्वाइन करता हूँ ILT के साथ, जिससे ये रोटर घूमेगा और हम उस पार जाएंगे। ओके यह अभी यार ऊपर की साइड चला गया, इसको मेरे को फिर से यार घुमाना पड़ेगा, जिससे कि गाइस ये नीचे की साइड आएगा और मैं आसानी से उस पर जा पाऊंगा। तो चलिए इसको मैं फिर से इधर रखता हूँ, थोड़ा सा धकेल देता हूँ। ओके अभी ये सही तरीके से नीचे आ गए, ठीक है अभी मेरे को सही टाइम देख के इधर से जाना पड़ेगा। बाकी यार इसको मेरे को थोड़ा ना पास लेना पड़ेगा ILT के, जिससे कि मेरे को थोड़ा जाने में इजी होगा। अबे नहीं चल भाग, इसको छोड़ अबे सीधा भाग तो। अभी अभी रोटर के ऊपर से होके ये क्या है, LOEV, नहीं यार फिर से मेरे को ये इंजेक्शन उठा के ले गया, जब तक ये गेम खत्म नहीं होगा शायद मेरे को ये नहीं छोड़ेगा लग रहा है। ठीक है LOEV, इसको अगर मैं ज्वाइंट करूँ तो LOVE, ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा इजी था। ओके इसको चले मैं लेके चलता हूँ सामने की तरफ, रेड लाइट मतलब लेटर तो गायब होना ही था, मेरे को भाई लेटर के बिना ही भागना पड़ेगा। नहीं यार फिर से ये इंजेक्शन, कोई नहीं चले नीचे की साइड। अभी मैं ये क्या लिखा हुआ है, FREE, फ्री, फ्री का मतलब क्या है। ओ भाई ये क्या, और एक मॉन्स्टर,
लेकिन यार ये थोड़ा भाई छोटा है, मतलब ये थोड़ा कम डेंजरस मेरे को लग रहा है। कोई नहीं यार, इससे भी हम निपट लेंगे। अबे यार ये तो मैं नहीं सोचा था, ये क्या है भाई साहब? अभी तक यार मैं ऐसा मॉन्स्टर नहीं देखा था। अबे भाग। ओ भाई इसने मेरे को अटैक कर दिया। सी यू। ओ भाई इधर यार, मैंने सबसे बड़ा मिस्टेक कर दिया। ये मतलब जो आप सामने की तरफ रूट देख रहे हैं ना, इसको मेरे को CUT को ज्वाइंट करके कट करना था। ठीक है चलिए, मैंने कट कर दिया। और गाइज अभी मेरे को भागना पड़ेगा, सीधा भागना पड़ेगा। ये मॉन्स्टर तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। कब तक ये मेरे पीछे पड़ेगा पता नहीं। ओ ओ भाई ओ लिटरली यार मेरे को कूद के ही जाना पड़ेगा। ओ भाई सामने की तरफ खाई। भाई साहब ये क्या? ओ गाइज इधर तो यार कुछ गजब ही सीन हो गया है भाई साहब। फिर से शायद मेरे को एंजल ने बचा लिया इधर। अच्छा हुआ गाइज, सही टाइम पे मेरे को एंजल ने बचा लिया। बट यार वो एंजल कहाँ गई? ओ ये तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे मेरे को एंजल ने बचा लिया, नहीं तो यार वो मॉन्स्टर मेरे को मार ही डालता। ऑलराइट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए गाइज, आपसे मैं मिलता हूँ और किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए